तो आज की हमारी यात्रा होने वाली है गाइस, दिल्ली सराय रोहिला से लेकर के बीकानेर के बीच में 12457 ट्रेन में ओवरनाइट जर्नी होने वाली है। और फिर से बता दूं, मैं पूरे जो है स्टेशन कवर करने नहीं वाला। अभी अभी क्या हमारे ट्रेन को ना मतलब 20-25 मीटर पीछे लेके आ गया है, ठीक है। ये दिल्ली सराय रोहिला प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगती है, ठीक है। ये देख सकते हो टाइम, और अगर अभी टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 11:20 और 15 मिनट में हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर है। ये यहाँ से 11:35 को चलती है, हमेशा रात को हर दिन चलती है ये। और आप बीकानेर पहुँच जाओगे सुबह 7:30 के आसपास। और इसके बीच में इसके वही होल्ड होते हैं जो इससे पहले मैंने कवर की थी। सेम आज जो है ना, मैंने जब टिकट कटवाई थी REC था, अब शायद कन्फर्म हो गया। अभी पता लगेगा अगर कोई मुझे ज्वाइन करता है तो, या तो मुझे तो लग रहा है कन्फर्म हो गया, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्या सीन है। डिपार्टिंग फ्रॉम दिल्ली सराय रोहिला शॉप एकदम करेक्ट टाइम पे। और ये हमने बोला दिल्ली को बाय बाय। ये रहा इसका बोर्ड आता होगा तो ख़त्म डली। और आज मेरी सीट है 7 एज यूजुअल दिख रहा होगा। ये रहा मेरा लगेज और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, बस स्लीपिंग थोड़ा लेट हूँ और मोस्ट प्रोबेबली स्टेशन को कवर नहीं करूँगा, डायरेक्ट कैनियर में निकलूँगा। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और हम रतनगढ़ क्रॉस कर चुके हैं। और मैं सोया था, अच्छी नहीं, थोड़ी मोड़ी नींद आई। और बेसिन वगैरह देख सकते हो, बाथरूम बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। कुछ ये देखो, और ये नींद में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ठीक है, फिर भी शॉर्ट जर्नी है तो दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। काफ़ी स्पीड पे चलती है, चलते फिर से सोने के लिए। ये थी मेरी सीट। सुबह हल्की हल्की होती हुई, काफ़ी तेज़ जा रही है अपनी ट्रेन और हम बढ़िया व्यू ले रहे हैं इसका। और ये रहा मेरा रेल नीर ख़त्म होने वाला है, बस यही है। सो गाइस, अपनी ट्रेन बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला 12457 बीकानेर पहुँची है, 15 मिनट डिले। और आज की व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। जर्नी एक्सपीरियंस ओके ओके था, नॉट गुड, नॉट बैड, ओके ओके।